मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पर। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की सेकंड एडमिशन लिस्ट आ गई है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका एडमिशन का शेड्यूल क्या होने वाला है, किन किन स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, तो जाने के लिए आज का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को आ जाना है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी इस पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको नीचे लिंक मिलेगा जिसपे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन अंडर सेकंड लिस्ट। आप लोगों को इस पर क्लिक करके एक पीडीएफ होगी, इसको ओपन कर लेना। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये 3 पेज की पीडीएफ है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, नीचे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट जिनकी क्लोज हो चुकी है, उसके नीचे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उसके नीचे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट और फिर बाद में आप देख सकते हैं एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इसे देख लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, नीचे लिखा हुआ एडमिशन शेड्यूल एंड प्रोसीजर फॉर बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप लोगों जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पीडीएफ डाउनलोड होगी, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 18 जुलाई को आया है नोटिफिकेशन। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेकंड लिस्ट का जो एडमिशन होगा वो 19 और 20 जुलाई को होगा, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक की इसकी टाइमिंग होगी एडमिशन की। और आप लोग अपनी फीस 20 जुलाई को दोपहर के 3 बजे तक फीस अपनी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड लिस्ट जो है वो 20 जुलाई को आएगी। तो उसकी जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर दिया गया था, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा नीचे, जिसमें बता रखा है कि 19 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और दोस्तों, दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो भी अगर आप एलिजिबल नहीं है तो उस केस में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी एक बार आप जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ड्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी का उनका जो बुलेटिन है 2019 का, उस बुलेटिन में आपको एलिजिबिलिटी सारी मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो उस केस में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होगा उसके बाद उन्हें ये MCMC@IP.DU.EC.IN पर एक ईमेल, एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करना होगा। तो अगर आप एडमिशन लेना है तो आप लोगों को एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करना होगा। बाकी और भी कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं, तो आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सब कुछ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे बता रखा है कि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्लास 10th की, क्लास 12th की मार्कशीट, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप लोगों को वो लेके जाना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 31 मार्च 2019 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ रजिस्ट्रेशन फोटोग्राफ्स लेके जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह की अपडेट्स को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आप लोगों को सारी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ वीडियो को भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ताकि इनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तब कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा।